खबर आ रही है जनपद जौनपुर से, जहां पे सरकार के 3 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर उपेंद्र तिवारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने जनपद जौनपुर कलेक्टर मीटिंग हॉल में पत्रकारों के संग प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रेस वार्ता में किराकत विधायक दिनेश चौधरी, मड़ियाहू विधायक लीना तिवारी, जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, जिलाधिकारी दिनेश सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामजी पांडे मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नरेंद्र गिरी की एक खास रिपोर्ट। अपने कार्यों का हिसाब जनता के बीच में, 23 करोड़ जनता के बीच में पारदर्शिता के तौर पर रखी हुई, नहीं तो आज तक कोई भी सरकार इतना खुला रूप से जनता के बीच में कभी नहीं आती थी। और इसीलिए कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हम हों, चाहे हमारे डीएम साहब, चाहे जो भी अधिकारी, हर एक व्यक्ति को घर में रहने की जो सुविधा होती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने चिंता जताया है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले, उत्तर प्रदेश के अंदर 23 करोड़ जो जनता है उसमें गरीब लोग हैं, उनको भी रहने के लिए हम संतृप्त करें। इसके लिए हर एक गरीब के घर के ऊपर पक्का छत, उसके घर में एक शौचालय, उसके घर में एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस का चूल्हा और सिलेंडर, उसके घर में वृद्धा विधवा पेंशन की, अगर कोई अधिकृत है तो उसको पेंशन, अगर कोई है तो 5 लाख रुपए तक इलाज की व्यवस्था, उसमें इस तरीके के जितने योजनाएं हैं जो एक हर एक आदमी को चाहिए, उतना परिवार के हर एक गरीब के लिए सरकार ने उपलब्ध कराया है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, यह हम सबका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी दिशा में सरकार का कदम है। और 3 साल के अंदर हम लोग कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ कि बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो या किसी दल पार्टी का, अगर वह गरीब है या वो किसी का क्षेत्र, तो वहाँ विकास होना है और सरकार का कदम उसी दिशा में है। 3 साल हो गया, बिल्कुल गड्ढा मुक्त जब सरकार बनी उसके बाद ही हो गया, क्योंकि रोज गाड़ियों पे रोड चलना है, बरसात भी होता है, जब बरसात का पानी होता है तो गड्ढा होना स्वाभाविक है, और जब गड्ढा होता है देख रहे हैं कि इस समय कोई मौसम नहीं होता फिर भी बारिश हो रही है, तो जब बारिश होगी तो कहीं गड्ढा होंगे ही। इस तरीके से सरकार की तरफ से, और हमने डाटा भी दिया कि जौनपुर जनपद में PWD से कितने पैसे अभी तक आए हैं, आप उसका पता भी कर सकते हैं। 3 साल में सरकार की जौनपुर में कोई बड़ी उपलब्धि बताया, तमाम उसमें बताया, और ये बुकलेट में छपा हुआ है जौनपुर के विकास से संबंधित, तो जौनपुर में तो आया हुआ है रहने वाली, और मेरे जनपद की रहने वाली, और उसके परिवार से मैं पूरा जुड़ा रहा, इस आंदोलन से मैं जुड़ा रहा दिल्ली से लेकर के और बलिया तक, और उस परिवार से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे, और इसीलिए मैं कहा हूँ या कहते हैं हम लोग कि घटनाएं तो बहुत होती है, लेकिन निर्भया कहीं ना कहीं बलिया कांड था तो कानून में भी संशोधन हुआ, और आज निर्भया के जो दोषियों की मौत की सजा मिली है, फांसी के फंदे पर लटकाया गया, उससे उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान नहीं आज पूरी दुनिया खुशहाल, इसलिए कि निर्भया कांड को लेकर के पूरी दुनिया उद्वेलित थी, हमारी बहनें छात्र छात्राएं उद्वेलित थे, शिक्षक और हर समुदाय के लोग उद्वेलित थे। निश्चित रूप से फांसी में थोड़ा देर हुआ है, लेकिन देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ, और उनको फांसी मिली, आज उनके माँ बाप को भी सुकून है, आज पूरे माताएं बहनों के भी माध्यम से जौनपुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है इस कोरोना से बचने के लिए, उससे अखिलेश यादव ने कहने के लिए कोई जगह नहीं बचा हुआ है, न उनके पास कोई मुद्दा, और इसलिए जब उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको अवसर दिया था तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सफाई के लिए उन्होंने किया, अपने परिवार के लिए किया, और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया उनको। इसलिए सरकार विकास के रास्ते पे है, सरकार विकास कर रही है, अखिलेश यादव और मायावती जी देखते रहे।